तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, नहीं मंदिर खुद पूछ लो, वो तो नहीं करेंगे, कुछ तो निकला ही इसके बाद। हेलो ठीक, चलो थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा तेजी बोलना हमको भी, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, मतलब आवाज तेज है बट माइक का काम तो पकड़ना है, वो ऐसे ही है तो नॉर्मल आ रही है। चलो शुरू करो, स्वागत करें फिर, कर दे वेलकम है। और भाई आज हम लोग ऐसे मां बन जो यार उन लोगों की, क्योंकि डेली अच्छे से सुनते हैं वो लोग, तो भाई वेलकम है। आज जो स्वागत है वाला लाइव स्वागत है ये थे वो माइक टेस्टिंग क्या कर दिया तुम, तो फॉर्मेट ही चेंज कर दिया पूरा। चलो भाई, तो भाई स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे, और आज हम लोग नया प्लेयर लेके लॉन्च कर रहे हैं, नया खिलाड़ी आया है, बताना है कितनी गालियां दोगे इसको क्योंकि और तो कुछ मिलने से रहा, और कोई मतलब तुमको हक है इस चीज का कि तुम्हें कुछ और ना मिले गाली दो ठीक है। तो भाई क्या लेके आए फिर आज? तो गाइस इंट्रो कुछ आज हम लोग ऐसे ही रहेगा ठीक है। तो पहली चीज तो एक प्रमोशन जो रहता है हमारा वो मैं कर देता हूँ कि एक चैनल है जो व्लॉग बनाता है, तो मेरे ऊपर आ रहा होगा उसका वीडियो के एंड में मैं लगाऊंगा लास्ट में चैनल का, तो उस पर जाकर क्लिक करके देखो, व्लॉगिंग स्लॉगिंग कैसे मजे मचाती है लोगों ने। बाकी फिर जैसा कि जानते हो हमारा फॉर्मेट सिर्फ गलती निकालनी है, तो हम लोग लाए हैं आज इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड जिसमें उसका बाप आया है तन्मय भट्ट, जिसका वो तन्मय भट्ट और वो और रघु रघु मच्छर की जाट ठीक है। तो हम लोगों ने और भी एक लोग होंगे, तो सबसे मेन चीज कि समय के पापा आए हैं उसपे, और साथ में इन लोगों का ये भी सुना है कि चोपे पे मारते थे, चोपे इन द सेंस समय तन्मय भट्ट का लेता था पहले, हाँ मार्केट में आने से पहले इन द सेंस उठाता था ठीक है। फिर जब थोड़ा रेलेवेंट हो गया तो साइड हो गया, तो ये चीज तो तुमने उसमें देखा होगा वो वाले शो में क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत जगह बोला गया यार, तुमने वो तो बोला गया प्रिटी गुड दोस्त तो देखा है उसमें, ये एक में गया था तो उसमें ये बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग सिर्फ यही मेरे लिए बोलोगे, कुछ नया नहीं लेके आए हो, ये सब बोल के ये स्मार्ट बन गया था। बट भाई जिसका लिया है तो आदमी वही ना बोलेगा, और अलग से किसी के थोड़े ना बोलेगा कि तुम उसका भी ले लिए हो, तो ऐसे ही है। अभी देखो लास्ट एपिसोड में उसको लाया था करिए को, जो वो था अफ्रीकन या कुछ भी था जो आया नहीं था, वो समझ गया। अब उसका लेने लगा होगा, हो सकता है जो सब पसंद आ जाए, अब हम लोग बोल सकते हैं अपनी अपनी पसंद है घर से ये बोल। हाँ क्या बात, हेलो हाँ भेज दिए थे उसी से रहना है चौबीस घंटे के लोकल में। तो भाई तन्मय भट्ट, हाँ तो भाई स्टोरी समझा दी है इसको, कॉल आ गया था वो सब तुमने देख ही लिया वो कैमरे में डाल देंगे तो तुम लोग के नहीं क्लिप्स ठीक है।
बता दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है, तुम्हें लगेगा स्क्रिप्टेड है बट इसने अभी तक एक भी ऐसा हाँ, लेटेंट नहीं दिखा है, और प्रीटी गुड रोस्ट शो भी इसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, जान रहा है उसको शो आया ये भी जान रहा है बट देखा नहीं है, तो आज देखते हैं कि ये क्या, इसको पहली बार देख रहे हैं तो कैसा रिएक्शन रहेगा फर्स्ट इसका। टाइम फीडबैक जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, और ये तो बहुमूल्य फीडबैक है, हाँ जबकि हमारा काम है नेगेटिविटी फैलाना तुम लोगों के कंटेंट पे, फेवरेट वालों के। ऐसे नहीं, नेगेटिविटी ऐसे नहीं फैलाना चाह रहे हम लोग, तो देखते हैं क्या ये आज कबूतर छोड़ेगा सब सफेद वाला। सफेद वाला कबूतर ही छोड़ते हैं ना पीस के लिए, इसके लिए या डोव छोड़ते शांति के हैं, लिए, डव नहीं, कबूतरी। कबूतर ही उड़ा जाता है गाइस। ठीक है, तो शुरू करें फिर, चालू करो फिर, चालू करो। लेकिन क्या पता अभी कमेंट में बोले नहीं डब ही होता है। डब वो तो लगा लेना। ये पहली बार किया है फ्री। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट। ये ऐसे खाते हैं। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो। इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो। खाना पीना ये लोग पूरा करता रहता है। लेकिन अभी बजट थोड़ा सा, पहले पैसा नहीं आता था, पैसा आ गया तो टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी फिजिक वाला लगा क्या, वैसे ही लग रहा था। एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा। ठीक है, समझ गए। टिकट सेल्स का सारा पैसा, मतलब बिल्कुल वो है कि किसी का जो है शो से हमें पता चलेगा कि इसमें तुम्हारा वो टैलेंट क्या है। वो गया आपने वो जो नंबर होता है अपने लिए इतना मिलेगा, वो है विनर। जो ऑडियंस या टिकट का जो भी पैसा है वो ये लोग विनर को देंगे। कॉन्सेप्ट के सही है क्या, जो लोग लोग जिस चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं वो विनर को डायरेक्टली, पर अगर स्पॉन्सर मिलता तो फिर स्पॉन्सर से पैसा लगता, तो ये तो भाई बीच ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रघु मेरे भाई, आ जाइए। भाई रघु भाई कहाँ है? तो बहन छोड़ते नहीं, मतलब ऐसे लोग जो बोलते रहते हैं कि गाली दे के फेमस नहीं होना अच्छी बात नहीं है, तो भाई रघु को ये भी सी रोडी में गाली देते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर द पैनल मैन, कम ऑन। अरे अपने पापा से बात नहीं किया, हमने पापा का एक लेक्चर ले लिया। शो टू बिगिन मेरे भाई। रघु भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एक बार जोरदार तालियां रघु भाई के लिए यार, कम ऑन। चीज उसका पापा गुस्सा हो तो रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे। हां जी, हुआ क्या कि पिछली बार मैं और तन्मय एक साथ आए थे तो काफी, अब हम पे 15 पुलिस केस है, 15 पुलिस केस। सर प्लीज 16 16। ट्रांसफॉर्म हो रहा है तन्मय भट्ट, तो करण जोहर बनना चाहता है आगे चल के, वैसा लग रहा है ना कि करण जोहर ही बन जाएगा। फेस पतला होते जाएगा तो उसका सिमिलर फेस हो जाएगा करण। तो भाई हरकत तो है ही ना, ये और समय लोग लेना देना भी तो करते हैं, तो ये चीज होगी। तुम पूरा एकदम प्रेफरेंसेस है तो भाई ये बाय लुक वैसा क्यों बनना चाहता है, जैसा था वैसे नहीं करता। वो उसको आइडल मानता होगा ना भाई, तो छोटा पड़ रहा होगा ना, मुंह में जाता है इसे, तो पतला हुआ है, बड़ा हो गया देगा। नहीं भाई, अपना आइडल जिसको मानते उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं ना सब। बट रीजन पतला होने का ये है कि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, मोटे लोगों का चर्बी आ जाता है ना आगे, तो उसको दे नहीं पाता होगा मुंह में सही से, बड़ी दिक्कत समझ रहे ना, वो दिक्कत है उसके लिए होगी ना, समझे। शुरू करते हैं गाइस, इट्स अ प्रीटी गुड रोस्ट शो ऑफ समय रहना, चलो गाइस शुरू करते हैं आगे। भी है यहाँ पर। Is she here? Natalie, are you here? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम I'll tell you. I love you, baby. आज जो भी होगा ना डरना मत. Don't be scared of me or anyone here, okay? अच्छा आज आपका असली रूप देखेंगे वो। Fingers crossed. अगर मैं भड़क रहा हूँ तो शांत रघु ऐसे बोल देना, ठीक है? Calm me down. Don't encourage me. आज भी मैं और रघु स्टेज पे, तो केस तो आने वाला है डिवोर्स का। फिर हिंट दिया कि रघु का डिवोर्स करा के अपने साथ लेगा तेरा। तन्मय भाई मेकिंग मी लुक फैट। अरे कल ही मैं किसी को बोल रहा था, यू नो आई ऑलवेज न्यू मैन, वन डे समय वुड बी बिगर देन मी, लाइक हाँ मोटा तो लग रहा है आजकल, लग तो रहा है।
Love you so much, Baitan mein bhai. Kaise lag raha hai? Kaise? How are you feeling, bro? You're losing weight. Everything's going well. Everything's going well. But I'm very, very happy for you. Bhai, samay rana ke liye taali. Level in this is normal. Na to bol. Very, very happy for you. Very, very excited to be on the show. Or I just think it's cool that Sid Warrior is here because yeah. This is a show where first mental patient comes and then he fixes them. Is that it? Main wahi keh raha hoon ki मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है एक न्यूरो साइंटिस्ट का दिमाग फ्राई होते हुए देखूंगा मैं नहीं गाइस डू यू नो सिड वॉरियर यस सो ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट ये यूट्यूब पे आते हैं इज अ यूट्यूबर आल्सो ये यूट्यूब पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि दोस्तों सोशल मीडिया मत यूज करो दिमाग खराब हो जाता है उससे See, this goes to show that the more successful a comedian becomes, the more in need they are of a doctor. I'm glad to be here. Thanks for having me. And lawyer. And we also need a room for no rent. So we have Balraj guy. Balraj will be fine. Hey, who is it? Balraj. He is the space owner. What's up, you guys? Really? You know, I think that Samay has solely, for the very specific reason, created this show. Just so he can be a judge on some panel. Comedy to kharab hi aapki, but theek hai. Should we begin India's Got Laden? All right, so make some noise for Mysterious Kaden. केडन वो असल तो पीछे केडन था ना मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ओके मैं आपके आंखों के सामने ये रेजर शार्प ब्लेड जगल करने वाला हूँ तो जब मैं करूंगा तब आवाज कीजिए ओके ओके 1 2 3 yeah I like that sound oh my god I am so happy ओके ये वाला टेक्निक को बोलते हैं चॉप्स जापान से है जापान से ओके गो सो देखो देखो Ha, 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 oh. ha, 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 ha. Oi, oi. Okay, I'm kidding. Okay, mere tongue ke niche. And shoot. Kuch bhi gadbad ho sakta hai. Par main karunga aaj mere tongue ke niche. Are you guys ready? Yeah. No? Yes. Okay. One, are you guys ready? Yes. Okay, one. 2 3 thank you so much no, that was stupid tha main actually main karunga okay oh my god okay put your hands together no karne ke baad karne do ruko ek zor se okay ek Go! Yeah! Mera dusra tongue. Khel raha tha na. Making it interesting. Sahi kar diya. Wo saath mein jo act kiya hai na wo acha kiya hai isne. Kyunki yahan pe फिर गया था मेडिकल जो आप कर रहे हैं जी लाइक क्यों कर रहे हैं मजा आता है आपके घर वालों को डर नहीं लगता इसके लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं अच्छा तो उनके बहुत बच्चे होंगे ना तीन बच्चे हैं भाई डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड नहीं आज बनेगी thing here can I just ask this kind of five interesting points about you I read minds like I read books okay. let me guess you don't read books you don't that's nee, what you're going to say right nahi main padhta hu I read books yeah you read you can read minds yeah I can read minds please go ahead okay Raghav bhai can I try something with you maza aayega aa jao kya karna hai mere ko आप होगा रघु भाई की टांगों के नीचे डू यू ट्रस्ट मी आप सो जाओ यहाँ पे सो जाओ बहुत आई एम अ प्रोफेशनल मैं एक प्रोफेशनल हूँ एवरीथिंग इज गोना बी फाइन ट्रस्ट मी
पैंचो मैं नाइजीरियन प्रिंसेस से बात कर चुका हूँ विच साउंडेड मोर कन्विंसिंग दैट दिस गाय ट्रस्ट मी मैं लेट नहीं रहा ब्रो तेरे को क्या करना कर ओके सो जाओ वो आपको लेट नहीं बोल रहा है भाई लेट जाओ लेट जाओ अब ये बॉल से जगलिंग करके दिखाएगा मैं रघु भाई के ऊपर जगलिंग करने वाला हूँ कर ले सुन मैं लेटने वाला हूँ मेरी बात सुन तू 18 का है ना जी 19 का होना है 19 का होना है हाँ हाँ है ना तो ठीक है याद रखियो भाई आपको 52 का नहीं होना क्या प्रोटेक्शन भाई गो हेड जग मेरे गान पड़ रहे भाई सच में ये प्रोटेक्शन है हाँ प्रोटेक्शन ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा हाँ इसी के लिए तो राजीव पैदा हुआ ना बाबा Fuck you. I'm not closing my eyes. Band के लोड़े. Band चो मुझे लेटा के गुब्बारा पकड़े कह रहे close your eyes. हॉस्टली के. हॉस्टल हम भी गए समझे? भाई. ये भैंसों मारने वाला तीर से माँ कसम बोल रहा हूँ अगर मेरे लग गए ना बीच में कोई नहीं आएगा मैंचो भाई ध्यान से भाई ध्यान से इसको हंसा आ भोसड़ी के हाँ मैं तू डर तो नहीं रहा नर्वस मैं तो गांडू मेरी गांड बढ़ रही है यहाँ पर सुन 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 You can do it. Believe in yourself. Believe in yourself. बिल्कुल नर्वस मत हो ठीक है मेरे भाई कहा सुना माफ अभी तक मैंने जो किया वो भूल जा जो हाँ ओके ओके रेडी बंद कर दो नहीं बंद कर दो भाई आंखें बंद कर दी क्या उन्होंने ठीक है थ्री What was that? Tanmay. Samay. 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 Tu mat dar. Tere ko kuch nahi bolunga main. Tu bhai hai mera. Tu bhai hai. Aaja Bhosri ke. Who needs balls? Oh man. Fuck you. मैं करना बाबा माँ की चूत तेरी माँ की चूत भोसड़ी के तेरी बैंड के लड़े नो बैंड केडन अरे तो तेरी बैंड के सही कर दिया उसने आखिरी वाले अरे I feel like he just popped my cherry. Wow. I love you, bro. Thank you so much. मादर चोद को पहले किसी ने नोडर एंटरटेनर क्या है ना यही कल्चर है कम से कम कम्युनिटी को ये बदनाम कर पहली बार रघु भाई को ऐसा देखा मैंने एक आदमी तीन तीन तलवार लेके आएगा तेरे को दिखेगा बैंचो अपने अंदर की चीजें पता चलेगी तेरे को बैंचो कितना मर्द है तू भाई मैं तो कश्मीर से पत्थर से ही भाग गया था भाई तलवार से तो गाना पड़ेगा तलवार से तो नहीं हो पाएगा भाई कैसा लगा भाई आपको अभी लग रहा है कि मैं क्यों लेता हूँ मैं इसको नहीं जानता मेरे को तो पैसे दे नहीं रहा बैंड तो क्यों लेता मैं उधर मैन दैट वाज रियली समथिंग भाई सिर्फ कहा था कि आज बंदी पटा के जाएगा मैं तो सोल्ड हूं भाई कोई है वो तैयार ऑन अ डेट विद हिम एनीबॉडी यू इट्स वेरी डार्क वी कांट सी सम हैंड्स हैव गॉन देयर वाज वन हैंड देयर एनीवन लाइक वी गिव यू 3 सेकंड्स 3
3, 2, 1. Respect. It's okay, you don't have to come on stage. Kya baat hai bhai? It's okay. What's a professional Rizzler? यही ये अभी जो हुआ है पिछले 20 मिनटों में. I mean, what is a Rizzler? Genuinely. You convincing Chandni to have a second child is called Riz. That's called Jizz. क्या होता है? यार लगा things you cannot. Stump को Jizz. समय रहना इस comedy. इसने बुला रखा अपने फैन क्लब से, बैठ जाओ आके, आओ आओ पैसे लेके जाओ, आ था मेरे को देना, हमारा चूतिया काटा हुआ यहाँ पर. But you love my comedy मेरे भाई. जी जी. आप फिफ्थ को क्या कर रहे हैं भाई? रघु भाई ये क्या निकाल दिया जिस्म. मुझे लगता है मैं रोड़ी बन गया हूँ भाई. तो 5th अक्टूबर को क्या कर रहे हैं भाई आप? कुछ नहीं. तो मेरे जाटे काटेंगे क्या आप? पराई. एक बार जोरदार तालियां मारें यार. Time to score. वहाँ पे उसको बोला जाए मेरे पास तो बड़ी तलवार है, मैं आपकी गांड काट सकता हूँ, छाटों का तो नहीं. तो ये बोल सकता था ना. हाँ बिल्कुल, पहले सो जाओ. 10/10 bro. 10/10. घबरा रहा है इस बार देने में पॉइंट. समय पहले नहीं दिया. It's all down to me. मुझे नहीं लगता इसने 10 दिए होंगे खुद को भाई. So I am gonna give you a 5. Hoping that your average 9 is what you have given yourself. So your average is 9. आपको मिलते हैं 1 lakh रुपीज फ्रॉम वॉक टॉक. अच्छा तो मेरे भाई नाउ आई गिव यू एन ऑप्शन. आइदर यू गेट 1 lakh रुपीज फुल्ली या फिर यू गेट 1 year वर्थ ऑफ वॉक टॉक नूडल्स. But there is a catch, I forgot actually. Okay. We had one more winner. Okay. So we'll have to split that money. Okay, we'll split it. So you get 50,000 rupees. Okay, that's or enough. 1 year of walk talk. नहीं, अगर मैंने ये लिया तो डेट के नाइट पे हमको ये खाना पड़ेगा. So we'll go 5-star, you know. अच्छा, but this is also 5-star, bro. It will add some spice to your relationship. Nah. You know what? I give it to you for free. Okay, you get 50,000 rupees plus 1 month unlimited walk talk, bhai. Let's That's what go! We get for. Congratulations, mere bhai. Last time. Bola daria for it. Round of applause once again for Mysterious Kaden, everybody! Thank you so much for watching India's Got Latent. जाने से पहले, there's a very special episode. The Rakhi Sawant episode is up next, which I will release when I hit 7 million. Stage अलग लग रहा है थोड़ा ना ये वाला. तो फटाफट subscribe button दबाओ अगर आपने इसको video को subscribe कर दिया. और कल ही मेरे साथ मिलने हो गए तो कल ही Rakhi Sawant वाला episode आ जाएगा भाई. तो देख लो भाई, जब भी साथ मिलने होते हैं, Rakhi Sawant will be out. मतलब she's out only, but episode will be out. मतलब
राखी सावंत के नाम पे फ्लाइट ले रहा खेल रहा है, 3 मिलियन सब्सक्राइबर ले लेगा, समझ रहा है? 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर ये लोग कम पढ़ रहे हैं, और ये राखी सावंत के नाम पे वो 4.5 है क्या अभी इसका? बोला तो खुद ही इसमें 2.5 मिलियन। अच्छा 2.5 मिलियन का। हाँ तो भाई तुम बताओ कैसा लगा? एक घंटे का एपिसोड शूट किया हमने, ये है ना, तो 1 घंटा ये क्या वर्थ इट थे हमारे? मतलब मेरे को तो ठीक लगा, ठीक लगा। हाँ मतलब एंटरटेनमेंट के उससे अगर मैं देखूंगा वर्थ इट, मतलब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं काउंट करेंगे, एज एंटरटेनमेंट देखा और एज एंटरटेनमेंट ही पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ, भाई मेरा तो प्रोडक्टिविटी वर्थ इट था, ऐसा कुछ नहीं। पर मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये सबसे मस्त तो नहीं निकला मेरे लिए, क्योंकि पैनल अब मैं देखता हूँ इसको सिर्फ उसके लिए कि जो पैनल में बैठे आके जितने भी जज आके बैठे उन लोग कितना एंगेज कर रहे हैं बकचोदी। लेकिन रघु ने बढ़िया किया, रघु और समय रहना बीच में थोड़ा बहुत वो समय का वो बतार तन्मय, हाँ तन्मय, इन तीन लोग ठीक किए हैं, बाकी तो फिर नहीं हुआ। और तन्मय भी बहुत कम किया, बहुत कम था। अगर पहली बार फर्स्ट व्यू, मतलब पहली बार व्यू देखने के बाद अगर मैं फीडबैक देना चाहूँ तो जिस हिसाब का मतलब सोशल मीडिया में चीजें चल रही बहुत सारी, उस हिसाब से इसने एक अलग चीज निकाल के अपने अपने सामने लोगों के सामने रखी है, या इस तरीके से भी एक शो बना सकते हैं और वो चलेगा। ऑलरेडी कोई बना हुआ शो है, उससे इंस्पायर्ड शो है ये, इंस्पायर्ड है, फिर भी बात वही है कि कौन इस चीज को हिम्मत करेगा। भाई बहुत सारी चीजें ट्रेंड में चलती है बाहर कंट्रीज में, इंडिया में लाने के लिए वो और रिस्क लेने के लिए उतना होना चाहिए ना हिम्मत भाई। लेकिन इसका शो ना बस वही बकचोदी वजह से मुझे लगा चल गया वो। बात ये है कि वो उस चीज पे चांस ले रहा है, हम भी लोग भी तो ऐसे बात करते हैं कि अबे किस तरीके से करते हैं क्या, तो हम लोग थोड़ा कॉशियस आते हैं कि भाई नहीं इस तरीके से अजीब लगेगा, है ना। ये उस चीज को किया यूज देखो, बिल्कुल अनफिल्टर्ड और सही है यार। और ये सब लोग माता जो देखते है ना हम लोग का वीडियो, हम लोग अगर जो काम हम लोग कर रहे हो समरा ना कर रहा होता ना तो उन लोगों ने तो यही सीन है भाई। तो तुम कितना मतलब इस शो को कितना पॉइंट देना चाहोगे? शो को, पूरे शो को? ओके, मतलब मुझे लगा इस एपिसोड ओवरऑल दोगे? अरे मतलब इस एपिसोड को ही। हाँ अच्छा, इस एपिसोड को 10 में से देना होता है कि 5 में से? 5 में से। मतलब मैंने पहली बार देखा है, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जिस हिसाब से इन्होंने हर एक चीज में और स्पॉन्सरशिप में मुझे जो जोक्स लगे, उन्होंने स्पॉन्सर को बोरिंग नहीं किया, जैसे कई लोग स्पॉन्सर रिपीट करते हैं मतलब लेकिन लोग बार बार करते हैं तो बेकार ही लगता है, बट इसने खराब नहीं किया कि वो भी एंगेजिंग रखा। तो मैं इसको 5 में से 4.5 दे, बहुत क्योंकि मैं पहली बार एपिसोड देख रहा हूँ, बट मुझे कॉन्सेप्ट भी सही लगा और सब कुछ सही लगा, तुम्हें पसंद आया। हाँ बोलो। तो भाई देखो मैं नंबर दू के पहले थोड़ा कुछ बता दो, पहले बातचीत हो जाए। जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे ना, जैसे तुमने बोला कि वो पिछले वाले, हाँ तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब ऐसे नहीं इससे अच्छे अच्छे देखे हैं उसके, रवि गुप्ता वाला कितना मस्त है वो, रवि गुप्ता वाले में सब लोग एंकर हुए थे, रवि गुप्ता की तो अलग लगी थी, प्लस जो म्यूजिशियन आए थे वो वाला क्या नाम है जिसने वो गाना बनाया था आदमी चूतिया वाला, हाँ वो भी मस्त है। विपुल गोयल भी उसी में था, विपुल गोयल का अलग अलग था वो, हाँ, भी था, बट रवि गुप्ता वाला सबसे मजा वाला देखना भाई। हाँ, देख लेंगे वो भी, देख लेंगे तो फॉलो करेंगे। उस हिसाब से उतना नहीं था, है ना, और जस्ट कंटेस्टेंट भी नहीं, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जज का बकचोदी देखने, टैलेंट देखने नहीं आ रहे, टैलेंट देखने नहीं। मोटिव ही वही है कि जज लोग कितना बकचोदी करेगा आपस में और कंटेस्टेंट के साथ, और उनका फायदा भी सारे मोस्टली जजेस इसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस मतलब दो वैसे वाले, ऐसा नहीं है, चेस प्लेयर्स को भी लेके आया है, एक ना एक थोड़ा फील्ड से अलग बंदा रहता है, जैसे न्यूरो साइंटिस्ट था, मतलब सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव है बट उसका थोड़ा अलग चीज पे काम कर रहा है, वो चेस प्लेयर है या फिर न्यूरो साइंटिस्ट जैसे आ जाया, तो इस तरीके से आते हैं लोग। रफ्तार आए थे सबसे पहले वाले, सबसे पहले वाले में रफ्तार, और उसमें तो इन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था, तो फिर रफ्तार बोल रहा है एक और कंटेस्टेंट जो जीता है चलो उसको मैं पैसा ऐड कर दूंगा, एक और करवा लेते हैं, तो वो सारी चीजें भी हुई थी, मतलब ठीक है शो, ज्यादा वैसा नहीं है कि बहुत हाइप क्रिएट कर दिया या कुछ, मतलब शो बना ही ऐसा है कि मजा आ जाए, मतलब जो व्यूज उसको मिल रहे हैं वो जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है। तो भाई मैं नंबर दूंगा इसको 3.5, 3.5। हाँ पुराने एपिसोड से कंपेयर, हाँ कंपैरिजन कर रही हूँ, यस मैं मतलब शो तो ऑब्वियसली अच्छा है, वो कोई मेरा 3 है भाई, 3 है, हाँ ठीक है जस्टिफाइड है क्योंकि इसके खुद ही देखे हैं इसलिए। हाँ वही तो सारे फॉलो किए हैं, तो पिछली बार लास्ट वाला नहीं देखा था, इससे पहले वाला जो था दीपक का लाल उल्लू वाला, टाइम नहीं मिला, मैं भी नहीं देखा। तो कितना हो गया 15 में से? 4.5 3.5 हो गया, कितना? 8 9 9 4.5 3.5 8 हुआ, 8
आठ वो आउट मैंने दिए, तीन दस 15 में से 11 11 हाँ तो बढ़िया है भाई, लौंडा तो पास है ही। हाँ ठीक है, 11 11 करेक्ट। पहली बार गलत हुआ, दूसरी बार थोड़ी हो जाएगा, तो अगला उड़ा उसी को मत देखना बार बार। नीचे नीचे लोग ये ना बोल दे कि भाई मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ, तुम मैथ्स में गलत कर रहा हूँ ना। अरे माता ड्राइविंग तो कर लेता है ठीक। तो गाइस 15 तो में से जेनेटिक हो गया 11 ना नंबर। भाई, ड्राइविंग तो जेनेटिक है ना, जेनेटिक बायोलॉजिकल। सही बात है। तो खत्म करें यहीं पे, खत्म करते हैं भाई, थैंक्स फॉर गाइस पास हो गए शो के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से बेंचमार्क और बढ़ जाएगा, तो और कट्टर तरीके से हम लोग जजमेंट देंगे। तो इसको ये बताओ, हम वॉचिंग। लोग एक ही पार्ट में पूरा डालें या तीन चार पार्ट में करके डालें? जैसे कितने एक इसमें घंटे टोटल का है? 4 शोज हुए हैं, हाँ तो दो दो एक्ट वाइज, दो एक्ट दो वाइज डाल हाँ एक्ट देते वाइज हैं, भी डाल एक्ट वाइज देख लेते हैं। अगर 10 मिनट के ऊपर निकल रहा हूँ कि 8 मिनट चाहिए हमको, तो मैं ऐसे करके डाल दूंगा, इंट्रो इंट्रो मिला के, अगर 10 मिनट का हो रहा होगा इंट्रो आउट्रो मिला के, तो वैसे ही कर देंगे फिर, है ना। हाँ। बाकी तो भैया शॉर्ट्स थैंक्स और फॉर गाइस वॉचिंग, यहाँ पे चैनल आ रहा और होगा उसको देख लेना, और उसपे जाके तो देख भाई लेना। कमेंट पे गाली गलौज तो कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना जो कर सकते हो, बाकी मर्जी है तुम लोगों की, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा चलेगा, चलेगा, समझे। चल तो हमारा रही है, चल तो रहा है, तुमको क्या लग लेकिन रहा है? लेकिन अपना ओपिनियन दे देना, वो जो भी है मतलब गाली दोगे और कुछ क्या, ओपिनियन जैसे ओपिनियन के मैं नाम पे आज क्या गाली होता है ओपिनियन, ना। अगर एक ऐसा करें हम लोग, ये लोग पन्ने में लिख के उसका फोटो भेजे हमें, हाँ तो हम लोग वो ओपिनियन देख लेंगे, और उस पन्ने को तुम लोग गांड डाल लेना अपने मुंह बात ही के। बता, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, चलो तो भाई यही पे खत्म करते हैं। चलो भाई सायनारा।